मैं ही हूँ। चलो पीडब्ल्यू फोटो खींचो। पीडब्ल्यू क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना डीएल। डीएल मतलब दुल्हन। दुल्हन दुल्हन। रुको रुको रुको, इन फूलों के साथ मैं टकटक पोज देती हूँ, तुम टकटक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा है, मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा थोड़ा नजदीक जाकर। ये पकड़ो। जल्दी से कोई तला के दो। बालक जाके नारियल ले आ, गुलाब के फूल पे। तू अभी फोटो मत लेना। अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख कमार। थैंक यू तरुण। ये कैसा शोर है? सुन रही चाची, ये हमारा फोटो वाला है। जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुन रही चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर, मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटे, दुल्हन की फोटो लेने के बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसे निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने। वही फोटो, उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है, जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुधी चाची, पैसे कॉफी। अच्छा सुभाष चाचा, तू ही है ना? तू है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, कॉफी भेजने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक नहीं आए, थोड़ा जाकर उन्हें बता दो। बता दूंगी। अच्छा ये क्या है? मिठाई है। अरे वाह, खाने के बाद दूंगी। चांदी के गिलास में कॉफी। अरे क्या कर दिया? कुछ टूटा क्या? सुभाष चाचा के लिए कॉफी लेके जा रहा था और तुमने गिरा दिया। तेरी तो चांदी का गिलास गिर गया। बैठिए, मैं दूसरे चांदी के गिलास में मंगाता हूँ। देखिए सीताराम जी, खाने का टाइम हो गया, अब सीधा खाना ही खा लेता हूँ। सुनो चाचा जी के लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आओ। सुनो, थाली में एक सोने का फूल होना चाहिए। सोने का फूल, सोने का फूल। ध्यान से थाली में सोने का फूल रखना। बात है सोने का फूल, इसे कहते हैं खातिरदारी। ये बात मैं जल्दी से भैया को बताता हूँ। भैया बोल छोटे। यहाँ मेरी क्या खातिरदारी हो रही है? चांदी की थाली में सोने का फूल रखकर खाना खिला रहे हैं। अगर आप आए होते ना तो सोने की थाली में हीरे का फूल रखकर खाना खिलाते। मुझे कुर्सी से उठने ही नहीं दे रहे हैं। उठता हूँ बिठा देते हैं, उठता हूँ बिठा देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने ये चांस मिस कर दिया भैया। वहाँ उन्हें इतने समय से कॉफी नहीं मिल रही है और यहाँ इतने चलने पर भी कॉफी शॉप नहीं दिखाई। ये बताओ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कहानी पर है या कॉफी पर है? इसे छोड़ना होगा तो लड़की को कैसे सुनेगा? इतना ठीकरा जो है, स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। स्टूल काफी नहीं होगा, सीढ़ी चाहिए। मामा भांजे, इस ड्रामा कंपनी से तो आज मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक जाके पैसा लेकर आएंगे। चल आइसक्रीम खिला। तुम मंदिर में जाओ, मैं नारियल खरीद के लाती हूँ। रोजी 200 किलोमीटर चल चुका हूँ। मामा घूम जाओ। यार 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 ए चमक चल लो। तेरी कमर में ये नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ऐसे लचक लचक से चल रही है। मेरी कमर मेरी मर्जी, चाहे हिलाऊं या घुमाऊं, तुझे उससे क्या? सबसे पहले मेरे पैसे निकाल, उसके बाद हिला डुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रील के पैसे दे। कौन सा रील? कौन सा रील? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे पोज बनाकर बंदर की तरह मुंह बना बना कर खिंचवा रही थी, उसके पैसे। याद आया याद आया, पैरों में दर्द हो रहा है और इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उठा के ऊपर ले चलो, तुम्हारे पैसे वहीं दे दूंगी। इतनी सी बात है क्या? उस तरह चलेगा ना? ओ नहीं 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 नहीं। तो फिर वैसे? हाँ।
है भांजे, ऊपर उठा के ले जाएगा तो पैसे देगी, किसी भी तरह उठा के ले जा। हाँ भांजे, जरा ये पकड़ो। हाँ दादे, आला मत, ये मेरे लिए। ऊपर जाने के बाद दे दूंगी ना। ले जाना तू, ले जा उठा के, ले जा। ले चल ले चल। क्या खाकर आई है रे, इतनी भारी है तू। सुबह में रोटी और नारियल की चटनी और उसके बाद यही कुछ 10 इडली और उसके बाद एक दर्जन केले। ठीक है बस कर मेरी माँ, मैं समझ गया, 10 लोगों का खाना खाकर आई है ना तू। नजर मत लगाओ, लड़कियों को अच्छे से खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। उनका क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं ना, उठाने वाले को पता चलता है। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे तेरी तो मैं। अरे तू रुक भांजे, कब से देख रहा हूँ तुझे, नीचे क्या कहा था, क्या कहा था नीचे, ऊपर उठा के लेके जाऊंगा पैसे दूंगी, और यहाँ आने के बाद कौन सा पैसे दूंगी, इसे छोटा बच्चा देख के खेल रही है क्या तू। ऐसे क्यों चिल्लाए जा रहा है, कहाँ ना दे दूंगी, थोड़े रुको। अरे कमाल की लड़की है, देख देख देख, पैसे निकाल रही है। वो कमर से निकाला है। ये क्या है, मजे करो। ये किसका दे रही है, उठाने का पैसा है। 5 रुपए होते हैं क्या, केदारनाथ में नीचे से ऊपर ले जाने का 10 रुपए देते हैं। तुमने बस थोड़ा सा उठाया है ना, फिर भी 5 रुपए दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत समझदार हूँ ना। अरे रे, मैंने झूठा किया, ये तो इसे पता ही नहीं है ना, देखना कैसे लपक लपक के खा रही है बंदरिया। अरे क्या हो गया, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है। वो कोई बंदर नारियल उठा ले गया। अच्छा, ये बंदर आ रहा है। सुभाष चाचा के लिए चांदी की थाली में गरम गरम खाना, खा लीजिए। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, खाने में मजा आएगा। खाइए। चाचा जी, अब क्या हुआ सीताराम जी। चाचा जी, सोने का फूल कहाँ है, खाने के नीचे छुप गया होगा, मैं खा। आप बैठिए, सोने का फूल जिस थाली में नहीं, आप उसमें खाना खाएंगे। कोई बात नहीं सीताराम जी, मुझे भूख लगी है। क्यों रे, सोने का फूल जिस थाली में नहीं उसमें खाना देते हैं क्या। देखिए सीताराम जी, आप मुझे जो प्यार सम्मान दे रहे हैं मुझे पता चल गया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। नहीं चाचा जी, आप इसमें नहीं खाएंगे, सोने की फूल वाली थाली में खाएंगे। कोई बात समझिए चाचा जी, पहले मुझे खाना दीजिए। आप छोड़ दीजिए, मुझे नहीं चाहिए चाचा जी, सोने का फूल नहीं चाहिए चाचा जी, मुझे नहीं चाहिए चाचा जी। साहब जी, इसमें ही खा लो। साहब जी, थोड़ा सा खा लो। अरे खा ले, ये भी खा ले, ले खाएगा, ये ले खा ले, खा ले, मैं भूखे रहूंगा तू खाना खाएगा, नालायक कहीं का। सुनिए, उस शंकर सिंह को कोई मानसिक रोग है क्या, जिसने सुभाष चाचा जी के मुंह से निवाला छीन लिया, थाली फेंक दी, ग्लास फेंक दिया, पक्का वो सनकी है। हो गया, नहीं बताएंगे अब, आगे कहानी नहीं बताएंगे। उसे मानसिक रोग हो तो क्या है, बीपी हो तो क्या है, शुगर हो तो क्या है, तुम्हारा एक ऐसा सवाल है। उनके चाचा जी को बुरा भला कह के इनको दुखी क्यों करते हैं। ये सब कहानी के कैरेक्टर्स हैं ना। सुनो ब्रदर, सुन, ये श्रद्धा से कहानी सुन रहा है और तुम कहानी में हड्डियां ढूंढ रहे हो। मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा ये समझदार है। छोटू, इन्हें दूध दे दे। सही कहा। किस लिए सर, बीच में रिलैक्स होने के लिए क्या, ये शुगर के साथ है या विदाउट शुगर। ये हमारे लिए नहीं है, मतलब बिल में जो सांप है उसके लिए। उस सांप के लिए बोतल वाला दूध। बाउसा, कौन है बाउसा? वही जिसके हक का आप दूध पी रहे हो। अगर ये बात तूने उन्हें बताई ना, थप्पड़ दूंगा। चल जा, जिसको देखो बस डराने चला आता है। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्यों रवि भैया, सब ठीक है, तुम कैसी हो? अच्छी हो दीदी। उस दिन आपके बेटे को देखा, हीरो लगता है। तुम बोलो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दूं। सुमन दीदी ने एक अच्छी लड़की देखी है, तू भी तैयार हो जा, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आपका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है, बहुत जल्द एक को पटाने वाला हूँ मैं। तो ये बात है। अरे क्या कर रही हो ये, थोड़ी शरारत। रुको, पकड़ो, कैच। बंदरिया वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है, चलो उसे नचाते हैं। बच्चों के साथ जो बंदरिया है उसे टच मत करो, नहीं तो काट लेगी। मैं उससे ज्यादा कटघन्ना हूँ। आइए ना। ऐसा है तो कोई बात नहीं मामा। हाँ मामा, ये फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया फोटो आई है, देखिए। वाह 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 वाह, इसके आगे तो हीरोइन की फील है।
मेरे फोटो मुझे दो ना प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच। बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी यार? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रही हो? रुको रुको। अरे सीढ़ी वीडी की जरूरत क्या है, तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ लूंगा, जानती हूँ तेरा आइडिया, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यही बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है बैठो। ए सांप सांप सांप, कूदो कूदो। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय गॉड, ऐसा सीन मैंने इस गांव में आज तक नहीं देखा। स्कूल के बच्चे। सुभाष चाचा जी, लगता है कुछ ज्यादा खा लिया है, भुगता आसा है। सुभाष चाचा, ये मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। नमस्ते। मुझे पता चला कि आप भोजन के बहुत ही प्रेमी हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करें और 5 थाली खाना खाकर हम लोगों का उद्धार करें। 10 थाली, 15 गुलाब जामुन, 20 मिठाइयाँ। पैरों के पास बैठकर बोल रहे हैं, मान जाइए। पैरों के पास बैठ के बोल रहे हैं, मान जाइए। मैंने कुछ और कहा क्या? मैं कहूँगी तो तसल्ली मिलेगी। तसल्ली? चाचा जी, ये खुशी के आंसू हैं क्या? मेरे आंसू आपको खुशी के आंसू दिख रहे हैं? कॉफी मांगी थी, कॉफी का ग्लास फेंक दिए, खाना खाने बैठा, थाली फेंक दिए, पेट में चूहे दौड़े, चीची सुअर दौड़ रहे हैं। क्यों बहन, आप दोनों के पति यही हैं क्या? इन दरिद्रों से अच्छा कोई नहीं मिला आपको। असल में आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, आपको पैदा करने वाले पिताजी। हमारे पिताजी? उनको चांदी की थाली में खाना दो। सुभाष चाचा जी, ये देखिए स्पेशल पान आपके लिए, ये लीजिए खाइए चाचा जी। यहाँ पेट में सुअर दौड़ रहे हैं तो पान खिलाने आया है? दरिद्र कहीं का भाग्य से। शादी की हड़बड़ी में ऐसा ही होता है।